झूलता हुआ पुल देखकर काफी अच्छा लगता है ना। आप जब इस तरह के निर्माण को देखते हैं तो सोचते हैं कि वाह क्या गजब का बना है, कैसे बना है। लेकिन जब आफत आती है तो सुंदरता, विज्ञान, सोच, उम्मीद सब धराशायी हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। जाहिर है कुछ सेकंड ही काफी होते हैं बर्बादी के लिए। गुजरात के मोरबी का मशहूर झूलता पुल रविवार को ढह गया। आंकड़े कहते हैं कि हादसे के वक्त करीब 500 लोग इस पर सवार थे। अब तक 132 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल सवाल ये उठ रहा है कि 7 महीने पहले रिनोवेशन के लिए बंद हुए पुल को बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के क्यों खोला गया। खबर है कि कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मार्च 2022 में मोरबी की उरेवा ग्रुप अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड को पुल के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोरबी नगरपालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह ज्वाला ने कहा कि पुल मोरबी नगरपालिका की संपत्ति है, लेकिन हमने 15 सालों तक रखरखाव और संचालन के लिए इसे कुछ महीनों पहले ओरेवा ग्रुप को सौंपा। हालांकि निजी कंपनी ने हमें जानकारी दी कि पुल आने वालों के लिए खोल दिया गया था, जिसके चलते हम पुल की सेफ्टी ऑडिट नहीं करा पाए। उन्होंने कहा कि रिनोवेशन के काम के बाद इसे जनता के लिए खोल दिया गया, लेकिन स्थानीय नगर पालिका ने अब तक कोई फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था। मच्छू नदी पर इस पुल का निर्माण 19वीं सदी में हुआ। घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। पुल की यात्रा के लिए आने वाले लोग टिकट खरीद रहे थे। अब आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ज्यादा कमाई के लालच में क्षमता से ज्यादा लोगों को पुल पर जाने दिया गया। हादसे में घायल हुए धीरज बाबू भाई सोलंकी अपने 2 भतीजों को गंवा चुके। उन्होंने जानकारी दी कि वो पुल के बीच में थे और पुल अचानक बट गया। सोलंकी कह रहे थे कि पुल भरा हुआ था। टिकट को लेकर भी जानकारी दी गई कुछ लोगों के द्वारा। उन्होंने खुद के लिए 17 रुपए और बच्चों के लिए 12 रुपए का टिकट खरीदा था। बचाव कार्य करने वालों का लगातार धन्यवाद भी किया जा रहा है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुजरात के मोरबी शहर में पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। इस हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बात तो साफ है कि मोरबी जैसे सभी पुल हादसे रोके जा सकते थे। इसके लिए जरूरी है पुल निर्माण और मरम्मत के लिए ठेके देने से पहले पूरी जांच। जिसे यह जिम्मा दिया जाता रहा है उसके पहले के किए गए कामों की भी समीक्षा हो, यानी उसे परखा जाए। पुल बनाने में इस्तेमाल हो रही सामग्री की समय समय पर जांच हो, जो होता ही नहीं है। साथ ही निर्माणाधीन पुल और बिल्डिंग्स के आसपास जरूरी इंतजाम किए जाए ताकि उसके पास से गुजर रहे लोग किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो। मोरबी का यह सस्पेंशन ब्रिज 143 साल पुराना है। इसकी लंबाई करीब 765 फीट है। यह सस्पेंशन ब्रिज गुजरात के मोरबी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस ब्रिज का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया। यह उस समय लगभग 3,05,000 की लागत से बनकर तैयार हुआ था। पुल बनाने का पूरा सामान इंग्लैंड से मंगाया गया। ब्रिज का निर्माण मोरबी के राजा प्रजवत्सल सर बाऊजी ठाकुर की रियासत के दौरान हुआ। उस समय राजा राजमहल से राजदरबार तक जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते थे। राजशाही खत्म होने के बाद इस पुल की जिम्मेदारी मोरबी नगर पालिका को मिली है। लकड़ी और तारों से बना यह पुल 233 मीटर लंबा, 4.6 फीट चौड़ा है। खबर है पुल को करीब 7 महीने पहले रिनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया था। अब सवाल है कि रिनोवेशन के बाद भी यह हादसा हुआ कैसे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी घटना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गहलोत ने रविवार रात सिरोही में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और बहुत बड़ी घटना है। उन्होंने कहा कि सरकार को निष्पक्ष जांच करके पता करना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही रिनोवेशन के बाद खुला पुल किन परिस्थितियों में और गिरा कैसे। उन्होंने कहा कि घटना की जांच हो ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुल की सैर करने वाले लोग टिकट लेकर गए थे। इससे साफ है कि पुल की क्षमता और लोगों की गिनती के बारे में टिकट बेचने वाले को पता था। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि पर्यटकों से तय से ज्यादा राशि भी वसूली जा रही थी। हादसे में घायल हुए धीरज बाबू भाई सोलंकी अपने 2 भतीजों को गंवा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वो पुल के बीच में थे और पुल अचानक से बैठ गया। फिलहाल अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसके बाद टिकट बिक्री नगर पालिका की भूमिका पर भी सवाल हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि जिम्मेदारी किसकी है। अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह ज्वाला कहते हैं कि पूर्व मोरबी नगर पालिका की संपत्ति है, लेकिन 15 सालों तक रखरखाव और इसके संचालन के लिए इसे कुछ महीनों पहले ही ओरेवा ग्रुप को दिया गया था।
हालांकि निजी कंपनी ने जानकारी भी नहीं दी और बाद में बिना जानकारी दिए हुए इसे खोल दिया गया। हालांकि घटना से ठीक पहले का एक वीडियो भी वायरल हुआ। ये वीडियो 35 सेकंड का है। इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लोग पुल पर खड़े थे और झूल रहे थे, पुल के साथ कुछ तरीके की बदतमीजी भी कर रहे थे। और ये तस्वीर, कहा जा रहा है कि ये हादसे से ठीक पहले की तस्वीर थी, ये वायरल है तस्वीर। और इस बारे में लगातार इस तस्वीर की भी जाँच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज है दरअसल ये, और इस तस्वीर ने यह साफ कर दिया है कि उस वक्त का मंजर कितना भयानक और कितना दर्दनाक रहा होगा। हालांकि इसी दौरान एक चाय वाला भी था जिसने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा और वो चश्मदीद है। उसने बयान दिया, उसने कहा कि उस वक्त वो एक गर्भवती महिला को भी पुल से लटकते देख रहा था। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी लेकिन वो बच नहीं पाई। कुछ लोग उस वक्त अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे थे क्योंकि वो ये मंजर देख रहे थे और चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल जो हुआ सो हुआ, लोग बचे नहीं। जो लोग बचे हैं उनके मन में एक दर्द की वो घटना हमेशा के लिए कैद हो गई है और शायद वो हमेशा डरे सहमे रहेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इस झूलते हुए पुल, जो ये पुल गिरा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी कौन है इसका जिम्मेदार। जाहिर है जब इस तरीके के पुल का निर्माण होता है तो जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, नगर पालिका के अंतर्गत आता है तो नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब इतने लोगों की जान लेने वाले, इस पुल के निर्माण करने वाले को, या फिर इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी जिसकी थी, या फिर इस पुल का रिनोवेशन जिसने किया, क्या उस पर कोई गाज गिरेगी? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।